नमस्कार, चरहट के हिंदी में आपका स्वागत है। भूल कर भी अभी अष्टमी पर इन कामों को ना करें, वरना अभी माता नाराज हो जाती हैं। आप भी ध्यान से देख लीजिए इस वीडियो को। भूल कर भी अभी अष्टमी वाले दिन घर के किसी भी सदस्य को ये गलती नहीं करनी है। हिंदू धर्म में बहुत से ऐसे व्रत और त्योहार शामिल है जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि हिंदू धर्म में किए जाने वाले अहोई अष्टमी के व्रत के बारे में। ये व्रत एक माँ अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए रखती है ताकि आगे चलकर उसके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे। निसंतान महिलाएं भी इस दिन संतान प्राप्ति के लिए अहोई अष्टमी का व्रत करती हैं। अहोई अष्टमी का पर्व कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। इस दिन माता पार्वती की पूजा का विधान होता है। ऐसे में हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस दिन क्या करने से आपको अशुभ प्रभाव पड़ सकता है। शास्त्रों के अनुसार अहोई अष्टमी के दिन अहोई माता की पूजा से पहले भगवान गणेश की पूजा जरूर करनी चाहिए। इस दिन निर्जल रहकर व्रत किया जाता है। ऐसा करने से संतान की आयु लंबी होती है और उसे समृद्धि प्राप्त होती है। अगली चीज, इस दिन सास ससुर के लिए बायना अवश्य निकालें। सास ससुर आपके पास नहीं रहते तो इस बायने को किसी पंडित या फिर किसी बुजुर्ग को दे सकते हैं। अगला है, रात के समय तारों को अर्ध देकर व्रत खोला जाता है। ऐसा करने से संतान की आयु लंबी होती है और निसंतान को संतान सुख की प्राप्ति होती है। अगली चीज है, इस दिन व्रत कथा सुनते समय 7 प्रकार का अनाज अपने हाथों में रखें और पूजा के बाद इस अनाज को किसी गाय को खिला दें। पूजा करते समय अपने बच्चों को पास बिठाएं और अहोई माता को भोग लगाने के बाद वह प्रसाद अपने बच्चों में जरूर बांटें। अगली चीज है, किसी गरीब व्यक्ति को इस दिन दान दक्षिणा देने से व्रत की पूर्ण फल की प्राप्ति मिल जाती है। इसलिए इस दिन यदि आपके घर के आसपास कोई गरीब कन्या या कोई गरीब व्यक्ति दिख रहा हो या कोई बुजुर्ग व्यक्ति दिखे तो आप उसको दान दक्षिणा जरूर दें। अगला चीज है, अहोई अष्टमी के दिन पूजन के बाद किसी ब्राह्मण या गाय को भोजन जरूर कराना चाहिए और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी जितनी भी परेशानियां होती हैं वैसे भी दूर हो जाती है। तो हमें उम्मीद है कि आज की जानकारी आपको काफ़ी पसंद आई होगी। यदि आज की जानकारी आपको पसंद आए तो आप इसको अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और यदि आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लें ताकि आप इसी प्रकार से वीडियोस को देख सकें। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।